हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो दोस्तों, आई एम वेरी श्योर कि कभी ना कभी आपको भी ये सवाल तो सताया ही होगा। सर, सपोज किसी स्टूडेंट को जॉब मिल जाए और वो फाइनल्स में एक दो मार्क्स से फेल हो जाए, तो क्या जॉब रहेगी या? तो दोस्तों, हम राजू के ही सवाल को अपने कंटेक्स्ट में ले आते हैं कि क्या अगर आप एक दो मार्क्स से फेल हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो क्या आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका मैं आंसर बताऊं उससे पहले मैं अपनी कहानी आपको बताना चाह रहा हूं। मेरे एमएससी के सेकंड सेमेस्टर में मेरे एक सब्जेक्ट में केटी आ गई थी, कहे कि मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था। और वैसे भी यहां पर जब आप फेल होते हैं ना, तो आपको करना यही होता है कि आपको सीधा अपने टीचर से समझना पड़ता है कि उन्होंने आपको क्यों फेल किया है। हालांकि वो आपको रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन वो रिटर्न में ऐसी भाषा यूज करते हैं कि वो उन्हीं को समझ में आती है, हमको तो किसी को समझ में नहीं आई आज तक। तो मैं जब फेल हुआ था तब मैंने यही किया था, मैंने सीधा उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनको उनसे पूछा, उनसे समझा था कि भाई मुझे क्या करना था इस असाइनमेंट में और क्यों उन्होंने मुझे फेल किया। तो उसके बेस पर उन्होंने मुझे बहुत सारे गाइडेंस दिए थे, जो जिसमें से कुछ चीजें मुझे समझ में आई थी, कुछ चीजें मुझे नहीं समझ में आई थी। तो खैर, वो तो हो गया और उसके बाद मैं लग गया अपने डिसर्टेशन और इसी पेपर के असाइनमेंट के रीवर्क में, और दोनों ही चीजों का सबमिशन मैंने सितंबर में किया। तो फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट जो है वो नवंबर में डिक्लेयर हुआ। तो नवंबर में जो रिजल्ट आया ना, तो दोनों सब्जेक्ट्स का एक साथ आया। तो सबसे पहले मैंने डिसर्टेशन का रिजल्ट चेक किया, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स या सबसे ज्यादा क्रेडिट्स जो थे उसी के मिलने वाले थे, तो उसमें तो मैं पास हो गया था। लेकिन जब मैंने चेक किया इसको, अपना रीवर्क वाले को, तो मैंने देखा कि इसने मुझे फिर से फेल किया हुआ है, और इस बार सिर्फ 5 मार्क्स की वजह से फेल किया है। और मैं उस दिन जो डरा हूं, मेरे कहें कि जमीन खिसक गई बोले या पसीने छूट गए, जो आप बोलो, वो इतना पैनिक हुआ मुझे उस दिन कि उसके बाद मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। क्योंकि मैं जो हूं अपनी पुरानी जॉब में फंसा हुआ था, मुझे वो जॉब बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी, मुझे उस जॉब में रहना नहीं था और मुझे उस कंपनी के साथ टीयर टू पे जाना नहीं था। तो मैं जो भी था सिर्फ और सिर्फ पीएसडब्ल्यू पे ही डिपेंडेंट था उस वक्त। बस फिर मैं देखने लगा, मैं पढ़ने लगा उसके बारे में, या जो भी मेरे अब ऑप्शन हो सकते थे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके मैं वो चेक करने लगा, और मैंने देखा कि भाई मैं पेपर को रीसबमिशन में डाल सकता हूँ, रीचेकिंग में डाल सकता हूँ। तो बस मैंने उसके लिए एप्लीकेशन दे दी उस शाम को ही। अब कहानी में ट्विस्ट आता है दूसरे दिन मुझे यूनिवर्सिटी से मेल आता है जिसमें मेरा पासिंग की डिग्री सर्टिफिकेट मेरे को मिलता है, और मैं हो जाता हूँ सरप्राइज कि मैंने कहा यार ये क्या है। तो फिर मैंने जो है वो रिजल्ट, या कहेंगे जो ट्रांसक्रिप्ट हमारी है, उसको ध्यान से देखा, और उसी के साथ 2-3 सर्टिफिकेट्स और दिए गए थे हमको। तो वो सब चीजें मैंने ध्यान से पढ़ी, तो वो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इस डिग्री को या इस कोर्स को कंप्लीटली पास करने के लिए जो मुझे मिनिमम क्रेडिट्स चाहिए थे वो थे 150 आउट ऑफ 180, और मेरे आ रखे थे 165। दिस मीन्स कि मैंने डिग्री जो है वो पास कर ली है, कोर्स जो है वो सक्सेसफुली पास कर लिया है, एंड मैं चाहूं तो इसी डिग्री को और इसी क्रेडिट को लेकर अपना कोर्स जो है वो खत्म कर सकता। तो ये पढ़ते ही मैं पहले थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उसके बाद जो मेरी टेंशन थी कि भाई क्या मुझे इन क्रेडिट्स पे पीएसडब्ल्यू मिलेगा, फिर मैंने अपने यूनिवर्सिटी के वीजा काउंसिलर एंड जो भी हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, दोनों को कंबाइंड मेल लिखा। वहां पर मेरे ट्रांसक्रिप्ट की मैंने कॉपी भेजी और मैंने उनसे कंफर्म किया कि देखो आपका ये लेटर कह रहा है कि भाई मैं पास हूं, लेकिन मैं फिर भी आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं कि क्या मैं इन क्रेडिट्स पे मुझे पीएसडब्ल्यू में क्लेम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, एंड अगर नहीं कर सकता हूं तो मुझे फिर वीजा एक्सटेंशन और मैंने जो रीचेकिंग की सबमिशन करी है उसका मेरे को आंसर बताना, और अगर मैं पीएसडब्ल्यू क्लेम कर सकता हूं तो ये जो मैंने रीचेकिंग की जो एप्लीकेशन दी है इसको कैंसिल करने का मेरे को तरीका बताओ। तो लकीली उस दिन उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही मेरे को आंसर दे दिया, और उनका आंसर आया था कि भाई ये आप पास हो, आप पीएसडब्ल्यू भी क्लेम कर सकते हो, तो अगर आपकी मर्जी है कि आपको ये आखिरी सब्जेक्ट भी क्लियर करना है तो आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इस केस में होगा ये कि आपका जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो आपको अप्रैल में मिलेगा, वरना अभी आपको दिसंबर में मिल जाएगा। तो बस फिर मैं उस दिन है जो बिल्कुल ही रिलैक्स हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के वीजा डिपार्टमेंट ने ये कंफर्म कर दिया कि भाई हम आपका जो सर्टिफिकेट है इसको एज अ पास ही आगे फॉरवर्ड करेंगे, एंड आपको पीएसडब्ल्यू मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उन्होंने किया भी वही, मेरे पास 7 दिन बाद जो है वो लेटर आ गया, ये आपका नंबर है और ये आपकी प्रोसीजर है जो आपको पीएसडब्ल्यू के लिए करनी रहेगी, वो ईमेल उन्होंने दे दिया, और फिर मैंने बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना पीएसडब्ल्यू की एप्लीकेशन करी थी। तो दोस्तों, ये तो हो गई कहानी, और इस कहानी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको जो है अपनी डिग्री के मिनिमम क्रेडिट्स कितने हैं वो जानने हैं। अगर आपने वो मिनिमम क्रेडिट्स अपने पास कर लिए हैं तो आपको यहाँ पर पीएसडब्ल्यू मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कहीं अगर आपने उस मिनिमम क्रेडिट से नीचे अगर आपके आपके पासिंग आए हैं तब आपको ना तो यहाँ पर डिग्री मिलेगी ना ही आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। तो अगर आप में से किसी को अभी भी मेरी बातों पे भरोसा नहीं आ रहा है, तो ये रहा मेरा डिग्री सर्टिफिकेट,
एंड ये है मेरी ट्रांसक्रिप्ट। तो इसी ट्रांसक्रिप्ट में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो डिप्लोमा लिखा हुआ है, मुझे डिग्री नहीं मिली है, मुझे डिप्लोमा मिला है। एंड लास्ट वाला सब्जेक्ट आप देखिए, उसमें कोई मार्क्स नहीं है, जिसको मैंने येलो में हाईलाइट भी किया है। तो ना ही इस सब्जेक्ट के मुझे क्रेडिट्स मिले हैं, ना ही मुझे इसके मार्क्स मिले हैं, लेकिन मेरा जो ये टोटल क्रेडिट जो है वो 165 क्रेडिट्स का बनता है, और हाईएस्ट क्रेडिट जो है मेरे 180 होने वाले थे, और पीएसडब्ल्यू तो मुझे मिल ही चुका है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बता चुका हूं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं Q&A सेगमेंट की तरफ। तो सबसे पहला सवाल जेड खान जी पूछते हैं, सर आई हैव टू ऑप्शंस, सैटेलाइट सिस्टम इंजीनियरिंग कोर्स इन ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी, डेटा साइंस कोर्स इन सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर सिटी, प्लीज सजेस्ट मी विच कोर्स इज बेस्ट फॉर जॉब एंड विच सिटी इज बेस्ट फॉर पार्ट टाइम जॉब, मैनचेस्टर और ब्रैडफोर्ड। तो खान साहब, ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों आधे घंटे के ही डिस्टेंस पर है, तो आप ब्रैडफोर्ड में रहें या मैनचेस्टर में रहें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काइंड ऑफ सेम ही है, बहुत फर्क भी नहीं है। अब कोर्स तो मैं कोई रिकमेंड आपको नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको सिटी का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप मैनचेस्टर में जा सकते हैं, लेकिन ब्रैडफोर्ड भी कम नहीं है, ब्रैडफोर्ड में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत है और एशियन कम्युनिटी भी वहाँ पर बहुत रहती है। फिर निखिल पटेल लिखते हैं, हेलो सर दिस इज वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बट आई हैव क्वेश्चंस, क्या हम इंडिया से जॉब अप्लाई कर सकते हैं, अगर अप्लाई कर सकते हैं तो हमें इंडिया का कॉन्टेक्ट नंबर देना होगा। तो बाय द वे ये जो कमेंट जो है इन्होंने सीवी वाले वीडियो पे किया था, तो अगर मैं सिर्फ सीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपना जो भी एक्टिव कॉन्टेक्ट नंबर है वही देना पड़ेगा, लेकिन आप चाहे तो यूके का वर्चुअल नंबर भी खरीद सकते हैं। वर्चुअल नंबर यानी एक तरह का नंबर ही होता है, वो आपको बाईपास कर देगा, अगर किसी ने यूके से उस नंबर पे कॉल किया तो आपके नंबर पर रिंग बजेगी, चाहे तो ये कर सकते हैं और अपने सीवी में यूके का वर्चुअल नंबर दे सकते हैं। फिर शुभम कुमार पूछते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करने से बेटर पेड इंटर्नशिप करके अर्न कर सकते हैं क्या, इज इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन इंटर्नशिप व्हाइल स्टडिंग, आई हैव क्लोज टू 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, पेड इंटर्नशिप का कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, और मिलेगा भी कि नहीं वो भी कोई गारंटी नहीं है, तो बेटर है कि आप पार्ट टाइम जॉब को ज्यादा ऑप्ट करें, और अगर पेड इंटर्नशिप में आपको पेमेंट मिलता है और लगता है कि अच्छा मिलता है तो आप अपनी पार्ट टाइम जॉब को बाद में छोड़ भी सकते हैं। फिर आता है कि भाई इंटर्नशिप मिलना इजी है या डिफिकल्ट है, तो देखो भाई यूके में इजी तो कुछ भी नहीं है, चाहे आपको कुछ भी चाहिए यूके में कुछ भी इजी नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो यूजुअली जो यूके का मार्केट है यहाँ पर ये प्रैक्टिस होता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल से ज्यादा का है तो आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन पेड यानी अगर आप पे करने वाले हैं तब बात अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से इस चीज को कंफर्म करना चाहिए, लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये कोई जरूरी नहीं है। फिर राम पौडेल जी ने मेरे लाइव पर एक बात कही भी थी और उन्होंने उसी बात का यहाँ पर कमेंट भी किया है कि यू कांट विड्रॉ मनी अंटिल यू अराइव यूके, लॉट ऑफ रिजेक्शन आर कमिंग एंड स्टूडेंट्स आर डिपोर्ट फ्रॉम यूके इमिग्रेशन बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट लिविंग फंड, प्लीज डोंट विड्रॉ 10 लाख मनी आफ्टर यू अराइव, विड्रॉ नो फाइन। तो यहाँ पर जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि उस लाइव में मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई उनके अकाउंट में जो बैलेंस है वो कब विड्रॉ कर सकते हैं, यानी जो आपको मेंटेनेंस फंड जो दिखाने पड़ते हैं 30 डेज के, तो क्या वो 30 डेज के बाद वो अगर अकाउंट जो है वो खाली कर लें या उसमें से कुछ अमाउंट यूज कर लें तो कोई उसमें इश्यू है। तो मैंने उनको वो आंसर दिया था कि भाई आपका वीजा आ जाता है उसके बाद आप उस अकाउंट को बिल्कुल ही खाली कर दो या उसमें से यूज करने लगो तो कोई इश्यू नहीं है। मैंने अपने टाइम पे बिल्कुल यही किया था, 30 डेज तक उस अकाउंट को कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरा वीजा आ गया था उसके बाद मैंने उसी में से अपनी टिकट्स बुक कराई थी, उसी में से अपना अकोमोडेशन की बुकिंग करी थी, और बाकी का कहेंगे जो भी मेरे काम थे उसी में से कर रहा था मैं, और आज भी उन्हीं में से कर रहा हूं मैं। तो ये जो राम जो लिख रहे हैं कि भाई आपको वीजा आपको फ्लाई करने तक आपको अकाउंट में पैसा मेंटेन करना चाहिए, तो मैं इस बात से इतना इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि भाई आपका वीजा आ गया उसके बाद आपका अकाउंट या आपका बैंक स्टेटमेंट वो कोई देखने वाला नहीं है, आपका जो भी एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप यूके में कितना पैसा लेकर आ रहे हैं या आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, वो वीजा आपका देखेंगे, आपका इमिग्रेशन स्टेटस देखेंगे, और आपसे जो भी है वो सवाल पूछेंगे कि भाई आप कहाँ जाने वाले हैं या आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं या आप यहाँ पर किस काम से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ना कि ये कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका स्टेटस क्या है और आपके पास कितना पैसा है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात तो बहुत ही प्राउडली बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो हूँ ना, मैंने यूके के एजुकेशन के पूरा एक्सपीरियंस किया है, यानी मैंने पढ़ाई भी करी, मेरे पे प्लेगरिज्म का केस भी बना जिसको भी मैंने जीता, मैंने केटी का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लिया, मैं फेल भी हुआ, और सवाल का आंसर भी आपको सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगा कि अगर आप फेल होते हैं तो क्या आपको यहाँ पर पीएचडब्ल्यू मिलेगा या नहीं, दूसरे लोग जो है वो तुक्के में बताएंगे, मैं जो हूँ आपको अपना प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। और हार का जीतने वाले को
बाजीगर कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे अब ज्यादा डिंगे नहीं मारनी है अपने बारे में। तो लास्ट में, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको समझ आ गया है और आपको आपने सवाल का जवाब मिल गया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो यहाँ पर बहुत ही चिंता में रह रहे हैं, बहुत ही कहेंगे स्ट्रेस लेके जी रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेस में पढ़ाई कर रहे हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।